बुलेटिन में बात अंजू की करेंगे, जो गई तो दोस्ती में थी लेकिन वहां जाकर फातिमा बन निकाह किया। तो पाकिस्तान से अंजू का एक और वीडियो सामने आया। दावा ये किया जा रहा है कि वीडियो किसी समारोह का है जिसमें अंजू और नसरुल्लाह के साथ कुछ रिश्तेदार भी दिखाई दे रहे हैं, जो अंजू को महंगे महंगे गिफ्ट देते दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इस दौरान पाकिस्तान के कारोबारी ने अंजू को 40 लाख का एक फ्लैट भी तोहफे में दिया है और उसने अंजू को फ्लैट के कागजात भी सौंपे हैं। तो पाकिस्तान में अंजू को महंगे महंगे गिफ्ट दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान से अंजू के अब तक कई वीडियो भी सामने आ चुके हैं जिसमें दावा ये किया जा रहा है कि अंजू पाकिस्तान में वो नसरुल्लाह के साथ बहुत खुश है। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या अंजू के नए नए वीडियो के पीछे कोई प्रोपेगेंडा तो नहीं छिपा है और उसे वो महंगे महंगे गिफ्ट मिल रहे हैं, उसके पीछे की असली कहानी क्या है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अंजू पर पाकिस्तान में तोहफों की बरसात। अंजू को महंगे गिफ्ट मिलने का दावा। पाकिस्तान के कारोबारी ने अंजू के लिए खोला पिटारा। भारत से पाकिस्तान गई अंजू के रोजाना नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें वो नसरुल्लाह के साथ दिख रही हैं और हर वीडियो के जरिए ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि अंजू पाकिस्तान में बेहद खुश है। उसे किसी चीज की दिक्कत नहीं है, मगर सवाल ये है कि कहीं ये वीडियो किसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा तो नहीं, कहीं किसी साजिश के तहत ये वीडियो वायरल तो नहीं किए जा रहे। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के पत्रकार दिलीप कुमार खत्री ने भी अंजू का एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो के जरिए दावा किया गया है कि पाकिस्तान में अंजू नसरुल्लाह के साथ बेहद खुश हैं। इस वीडियो में अंजू नसरुल्लाह के साथ दिख रही हैं, जिसमें नसरुल्लाह के कुछ रिश्तेदार भी शामिल हैं जो अंजू और नसरुल्लाह को गिफ्ट दे रहे हैं। इस वीडियो में भी अंजू नसरुल्लाह के साथ खुश दिख रही हैं। इस वीडियो में पाकिस्तान के जाने माने बिजनेसमैन भी नजर आए। उन्होंने अंजू को महंगे गिफ्ट दिए और एक 10 मंजिला अपार्टमेंट में 40 लाख रुपए का फ्लैट गिफ्ट दिया। अंजू को उस फ्लैट के पेपर भी दिए गए। इस वीडियो में अंजू खुश तो दिख रही हैं, लेकिन वो अपना चेहरा भी छिपाती नजर आ रही हैं। ऐसे में वायरल हुए इस वीडियो पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आखिर अंजू वहाँ खुश हैं, तो वो अपना चेहरा क्यों छिपा रही हैं? अंजू 21 जून को एक महीने के विजिट वीजा पर पाकिस्तान पहुंची थी। वीजा एप्लीकेशन फॉर्म पर साफ साफ लिखा था कि वो विजिट वीजा पर पाकिस्तान शादी करने के लिए जाना चाहती हैं। हालांकि उसके घर वालों को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। फिर पाकिस्तान पहुंचने के बाद वो पहले नसरुल्लाह से मिली। उसने अपना धर्म बदला, नाम बदला, वो अंजू से फातिमा बनी और अपने सोशल मीडिया के दोस्त नसरुल्लाह से निकाह भी किया। इसके बाद उसका निकाहनामा भी सामने आया और कुछ वीडियो भी वायरल हुए जिसमें वो नसरुल्लाह के अलावा उसके दोस्तों के साथ भी नजर आईं। लेकिन अंजू अब भारत लौटेंगी या नहीं, इस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। दावा किया जा रहा है कि अंजू पाकिस्तान में नसरुल्लाह के साथ खुश हैं और अब वो भारत लौटना नहीं चाहती। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से सोशल मीडिया पर उसके एक के बाद एक वीडियो सामने आ रहे हैं, वो किसी बड़ी प्लानिंग का हिस्सा लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में अंजू के भविष्य को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि अंजू पाकिस्तान के जिस इलाके में है, वहाँ महिलाओं की स्थिति जग जाहिर है। ऐसे में नसरुल्लाह के साथ अंजू की ये खुशी कितने दिनों तक रह पाएगी, इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि पाकिस्तान में उसे भारत विरोधी मुहिम का हिस्सा बनाया जा सकता है।
वो ISI और आतंकी संगठनों का भी शिकार बन सकती है।